सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की जो ये वीडियो है वो होने वाली है क्लास 12 से रिलेटेड। जो सबसे पहला पोइट्री है माय मदर 866, कंपोज्ड बाय कमला दास, इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जहाँ पर एक डॉटर जो है अपना जो अफेक्शन और लव है वो शो करती हैं टूवर्ड्स हर मदर। उनकी मदर जो है वो 66 एज की हैं, और उन्हीं के बारे में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, इसका डिस्कशन किया है इस पोइट्री के माध्यम से कमला दास ने। अगर हम बात करें इनके पोइट जो हैं, वो पोइटिस जो हैं कमला दास, उनके बारे में, तो कमला दास का जो जन्म हुआ था वो मालाबार केरला में हुआ था, और साथ ही साथ ये जो हैं वो इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइटिस मानी जाती हैं। और इनका जो पेन नेम है, यानी जिस नाम से ये अधिकतर जो है जाने जाते हैं, उपनाम आप कह सकते हैं, वो है माधवी कुट्टी। ठीक, आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन पोएटिस के बारे में आपको समझ में आई होगी। बिना देर के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी ये वीडियो होने वाली है पोइट्री को लेकर के। बिल्कुल छोटी सी पोइट्री है, और ये जो पूरा पोइट्री है वो एक वर्स की तरह है, यानी इसमें अलग अलग स्टेंजा नहीं है, वो टोटल एक लाइन में, जैसे प्रोज हम पढ़ते हैं उसी तरह का जो है आपको यहाँ पे पोइट्री देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई अलग से स्टेंजा नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, डाइविंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ जो पोइटेस हैं वो बता रहे हैं कि ड्राइविंग यानी कार से जाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचिन, कोचिन हवाई अड्डा जो है, एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, वहाँ ये जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार मॉर्निंग यानी सुबह, आई सा माई मदर यानी मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल में थी। तो ये कह रही हैं कि जब वो जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट के लिए, यानी अपने पेरेंट्स से मिल करके जब वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, लास्ट फ्राइडे की बात है, तो वो अपने मदर को देखती हैं ध्यान से। ठीक, और जब ये देखती हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व कर लेती हैं वो हमें यहाँ समझेंगे। अब वहाँ बताती हैं, डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पैन, यहाँ समझते हैं। और अपने जो मदर हैं, उनकी अपनी जो मदर है उनकी उनकी कंडीशन को बताते हुए बताती हैं कि डोज यानी उनको जो है हल्की हल्की नींद आ रही थी, ओपन माउथ और उनका मुंह जो है थोड़ा सा खुला हुआ था, हर फेस एस एन और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल कलरलेस हो गया था। एस का मतलब ऐसे राख होता है, तो जैसे राख का जो कोई खास कलर नहीं होता है उसी तरह हम बोल सकते हैं एस एन मीन्स कलरलेस, यानी चेहरे पर कोई रंग ना होना, चाहे वो बीमारी के कारण या फिर डर के कारण। तो उनका जो चेहरा है उस पर कोई रंग नहीं था, यानी चेहरा जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, लाइक एस राख की तरह, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और जो उनका शरीर था ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, कि जो शरीर था वो एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था, यानी जो कंडीशन था वो समझ सकते हैं कि जैसे लग रहा था उनको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, डोज हो रहा है उनको। ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एस एन और उनका जो चेहरा था वो कलरलेस हो गया था, जैसे लग रहा था कि कोई डेड बॉडी हो। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड रियलाइज्ड, और आगे पोइटिस बताती हैं कि मैंने महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस करना, विथ पेन यानी दर्द के साथ, कष्ट के साथ, और ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, बहुत कष्ट हुआ जब उन्होंने अपनी मदर की ये कंडीशन देखी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी, यानी जो एज था वो बता रहा था कि उनकी जो मदर है वो अब बूढ़ी हो चुकी है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे यानी उन विचारों को दूर करते हुए, यानी अपने मदर का जो कंडीशन था उन कंडीशन को अपने दिमाग से हटाते हुए, थोड़ा दूर करते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पिनिंग एंड लुक्ड आउट, और वो जो है कार से बाहर देखती हैं एट यंग ट्रीज यानी छोटे छोटे पौधों को स्प्रिंटिंग, जो कि साथ में दौड़ रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग करना, साथ में दौड़ना। जब आप कभी ट्रेन में यात्रा करते हो या किसी और व्हीकल से आप यात्रा करते हो, तो ऐसा आपको लगता होगा कि जैसे आप स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, उसी तरह जो पेड़ है वो भी आपके साथ
चल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक, तो जब ये अपनी मदर के साथ जा रही थी और पूरा कंडीशन अपनी मदर का देखी और वहां से ध्यान हटा करके जब ये बाहर देखती हैं तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ भी इनके साथ क्या कर रहे हो, चल रहे हैं। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आसान सी पोइट्री है, बहुत ही इमोशनल टच है इस पोइट्री में। और आगे बताती हैं, द मेरी चिल्ड्रेन यानी छोटे छोटे प्यारे जो बच्चे थे, स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, वो भी दौड़ रहे थे, खेल रहे थे अपने घरों से बाहर निकलकर। स्प्लिंग का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना और सभी दिशाओं में भागना दौड़ना। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, अपने घरों से निकल करके इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिए थे यानी खेलना शुरू कर दिए थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वो बताती हैं कि जब एयरपोर्ट वो पहुंच गई और उनका सिक्योरिटी चेक हो गया तो क्या हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, तब वो खड़ी थी अ फ्यू यार्ड अवे यानी कुछ गज की दूरी पर। यहाँ जो यार्ड है वो मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कह सकते हैं मापन है ना, तो यार्ड का मतलब गज होता है। तो जो कुछ ही दूरी पर, कुछ ही गज पर वो खड़ी थी, और बताती हैं पोइटिस की आई लुक्ड अगेन हर यानी मैंने दोबारा उनके चेहरे को देखा जब वो मुझे विदा करने वाली थी, हम दोनों सेपरेट होने वाले थे। व्हेन पैल एज अ लेट विंटर मून, और जब दोबारा उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो अभी भी वो बिल्कुल व्हेन यानी कलरलेस, पैल का मतलब होता है बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एज अ लेट विंटर मून, जिस प्रकार देर रात्रि का चंद्रमा पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार उनकी मदर का जो चेहरा था वो बिल्कुल कलरलेस और पीला पड़ा हुआ था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एके, और यह सब देख करके फेल्ट मुझे महसूस हुआ, मतलब पोइटिस को यह महसूस हुआ दैट ओल्ड फैमिलियर एके यानी वही जाना पहचाना दर्द। एके का मतलब होता है दर्द, ठीक, और फैमिलियर का मतलब यहाँ परिवार नहीं है, फैमिलियर का मतलब है नोन जाना पहचाना। तो जब उन्होंने अपनी मदर का इस तरह पीला पड़ा हुआ कलरलेस चेहरा देखा जो कि बिल्कुल सर्दी के चंद्रमा की तरह था, पीला पड़ा हुआ था, तो उन्हें एक पुराना जो है जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्ड हुड फियर यानी इनके बचपन का डर, बचपन में इनको क्या डर था, बचपन में इनको लगता था कि इनकी मदर जो है वो इनको छोड़ के चली जाएंगी, तो हमेशा ही अपने मदर के पास रहा करती थी। और अभी जो कंडीशन है इनकी मदर की, उनकी एज 66 हो गई है, तो उनको लगता है कि शायद वो डर आज भी फिर से कायम है। और वो जो डर है वो ये था कि इनकी माता की अगर डेथ हो जाए तो फिर ये अकेली हो जाएगी। तो जो चाइल्डहुड फियर है उस चीज़ को यहाँ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है, यानी बचपन से लेकर के और अभी तक जब इनकी मदर 66 एज की हैं तो वो फियर जो है वो बना हुआ है। आई होप कि एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत इजी पोएम है। बट और आगे बताती हैं, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, अम्मा जो है अपनी मदर को बोलती हैं, और अंत में जो इन्होंने कहा वो इतना ही था कि सी यू अम्मा यानी फिर मिलते हैं मदर। ठीक, अपने अम्मा से बोलते हैं कि फिर दोबारा हम मिलेंगे, इस होप के साथ वो आगे जाती है। ऑल आई डिड, और वो बताते हैं कि जो भी मैंने उस समय किया यानी जो भी मैं एक्सप्रेस कर सकती थी अपने मदर के लिए वो क्या था, वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और बताते हैं कि लास्ट में जाते जाते जो मैं कर सकती थी अपने मदर को देख करके, अपने मदर के लिए जो मैं कर सकती थी वो केवल क्या था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी जाते जाते वो मुस्कुराती हुई अपने मदर को देखती हुई चली गई। आई होप कि छोटी सी जो इमोशनल पोएम है वो आपको समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है वर्ड बाय वर्ड। आई होप कि ये पोएम जो है आप अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो हमारा यूट्यूब का एक फैमिली है इस चैनल के माध्यम से वो जल्दी से ग्रो हो सके। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मातरम।